नवी मुंबई के होल्डिंग पॉइंट्स पर वन विभाग ने जमाया कब्जा। दशरथ भगत ने उठाया सवाल, सफाई नहीं हुई तो डूब सकती है सिटी। और फॉरेस्ट का भाग आई नहीं, फॉरेस्ट का हिस्सा आई नहीं। वो एक तो फॉरेस्ट ने हमारे जो कॉर्पोरेशन जैसा हमारा प्रशासन है बोलते अंधा प्रशासन है ये। और हमने इसीलिए कमी से बात किया कि जब फॉरेस्ट ने वो जो हमारा जो होल्डिंग पॉइंट है फॉरेस्ट कैसा ले सकता है, हमारे जगह के ऊपर फॉरेस्ट कैसा हुआ उसका चिन्ह लगा सकते, उसका कैसा हुआ जो खंभा लगा सकता है। तस्वीर में दिख रहे ये वाशी नवीमुंबई के वो होल्डिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें सिडको ने कभी बाढ़ से बचाने के लिए तैयार किया था, लेकिन आज यही होल्डिंग पॉइंट सालों से सफाई नहीं होने के कारण नवी मुंबई को बाढ़ में डुबाने का जरिया बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि होल्डिंग पॉइंट की सफाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि फॉरेस्ट विभाग यहां जमे मैंग्रोव को काटने हटाने की परमिशन नहीं दे रहा है। जी हां, वजह यही है कि 20 सालों से इसकी सफाई अटकी पड़ी है। बीजेपी नेता दशरथ भगत सवाल उठाते हैं कि अगर होल्डिंग पॉइंट समय पर साफ नहीं किए गए तो खाड़ी के हाई टाइड से नवीमुंबई का डूबना तय है। नई मुंबई महानगर पालिका का जो जरा पूरा क्षेत्र है सिडको क्षेत्र, जो सिडको ने नई मुंबई बिठाई है, तो नई मुंबई सिटी ये अपना हाई टाइड जो समुद्र की बढ़ती रेखा है वो हाई टाइड से नीचे है, इसीलिए बारिश में जब पूरा सिटी में पानी भर जाता है और हाई टाइड जब होते हैं तभी उस समय वो बारिश का पानी सिटी में नहीं जाना, रुकना नहीं चाहिए, किसी के मकान में नहीं जाने चाहिए, इसीलिए सिडको ने यहाँ होल्डिंग पॉइंट बनाए हैं बेलापुर से लेके आयुर्वेदी तलक। वो इसीलिए बनाए ताकि शहर डूब न जाए, लेकिन अभी ऐसी दशा है, ऐसी स्थिति है होल्डिंग पॉइंट की, वो होल्डिंग पॉइंट सफाई नहीं हो रही होल्डिंग पॉइंट की, क्योंकि वहाँ मैंग्रोव है और कॉरपोरेशन वो मैंग्रोव की वजह से सफाई नहीं कर पाए। बहुत साल मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, 20 साल तक उसने साफ नहीं किया, पूरा दुर्लक्षित रखा उसको। आज हर होल्डिंग पॉइंट 80% पूरा उससे कीचड़ से भर गया है, 20 साल से ज़्यादा हो गया साफ नहीं किया अभी तक उन्होंने। जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम वो होल्डिंग पॉइंट साफ नहीं कर सकते, और जब तक हम होल्डिंग पॉइंट साफ नहीं करेंगे तब तक हमारा जो शहर का कई सारा हिस्सा है वो बारिश से समय वो हमेशा डूबा हुआ रहता है। अब जरा इन होल्डिंग पॉइंट्स और उसमें अवरोध बनकर पैदा हुए मैंग्रोव की कहानी भी समझ लीजिए। सिडको ने जब होल्डिंग पॉइंट मनपा को हस्तांतरित किए थे तब वहाँ कुछ भी नहीं था, जाहिर है मैंग्रोव बाद में पैदा हुए और तालाबों की सफाई में रोड़ा बन गए। दरअसल वन विभाग ने यहाँ बैनर और खंभा लगाकर मैंग्रोव के हटाने या काटने पर रोक लगा दी है। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने कहा कि जब होल्डिंग पॉइंट पर मालिकाना हक NMMC का है तब मनपा की संपत्ति पर वन विभाग अपना बैनर और खंभा भला कैसे लगा सकता है। उन्होंने कहा कि मनपा प्रशासन अंधा है जो अपनी संपत्ति की सफाई के लिए भी वन विभाग से परमिशन की मांग कर रहा है। और फॉरेस्ट का भाग आई नहीं, फॉरेस्ट का हिस्सा आई नहीं। वो एक तो फॉरेस्ट ने हमारे जो कॉर्पोरेशन जैसा हमारा प्रशासन है बोलते अंधा प्रशासन है ये, उसने उस समय चौंकाना रहना चाहिए था उन्होंने। और हमने इसीलिए कमी से बात किया कि जब फॉरेस्ट ने वो जो हमारा जो होल्डिंग पॉइंट है फॉरेस्ट कैसा ले सकता है, हमारे जगह के ऊपर फॉरेस्ट कैसा हुआ उसका चिन्ह लगा सकते, उसका कैसा हुआ जो खंभा लगा सकता है। इसके सामने जो मुद्दा हमने उठाया है, जो मुद्दा ये उठाया कि जितने होल्डिंग पॉइंट है ये कॉरपोरेशन की ओनर ही मालिकी है, ये ओनर है कॉरपोरेशन। जैसे सिडको की जितने क्षेत्र है, नोड है, उस नोड में जितने सोशल सुविधा के भूखंड है, सोशल फैसिलिटी के जितने प्लॉट्स है, जमीन है, भूखंड, वो सिडको ने कॉरपोरेशन को हस्तांतरित किया है, ट्रांसफ़र किया है। वैसा ये होल्डिंग पॉइंट भी सिडको ने कॉरपोरेशन को हस्तांतरित किया है, वो कॉरपोरेशन की मालकी है, ओनरशिप है वो। तो सवाल ये है कि जब खाड़ी पर चौथे ब्रिज के लिए मैंग्रोव काटे जा सकते हैं तब पूरे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए होल्डिंग पॉइंट्स के मैंग्रोव को हटाने में हर्ज क्या है।
सवाल गंभीर है कि अगर हालत ऐसी रही तो वह दिन दूर नहीं जब हाई टाइड के दौरान आई बाढ़ से नवम्बई के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। दशरथ भगत इसके लिए एनएमएमसी अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर सवाल पूछा कि जब आरक्षित जमीनों पर मनपा अतिक्रमण हटा सकती है तब अपनी संपत्ति होल्डिंग पॉन्ड में अतिक्रमण कर पैदा हुए मैंग्रोव को हटाने के लिए किसी की अनुमति क्यों लेनी चाहिए। मैंग्रोव आए हमें परमिशन दे दो, इस तरह का जो जिस तरह से वो उनारा जो मत रख रहा है या उसका स्टेटमेंट रख रहा है वो स्टेटमेंट गलत है, वो कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट सरासर गलत है। स्टेटमेंट सीधा रखना चाहिए, कोर्ट को बताना चाहिए कि ये होल्डिंग पॉइंट है और होल्डिंग पॉइंट ही रहेगा। और जिस तरह से छिड़कों ने दिए कि वह जो पहले छिड़कों ने हमें हस्तांतरित किया वह मैंग्रोव नहीं था, वो गूगल सैटेलाइट से आप देख लीजिए, आप 90 से देख लिए, 80 में देख लीजिए, 85 में देखिए, 95 में देखिए, वह मैंग्रोव नहीं है। तो मेरा जवाब देते कहता हूँ कि जो होल्डिंग पॉइंट में मैंग्रोव ने अतिक्रमण में किया है उसको निकालने की परमिशन क्या जरूरत है, वो निकालो विषय उसको कोर्ट को बताइए, कोर्ट को सीधा सीधा कहना चाहिए कि एनक्रोचमेंट आइए। फिलहाल देखना होगा कि मुंबई महानगर पालिका बाढ़ का खतरा बन रहे होल्डिंग पॉइंट की सफाई के लिए कौन सा रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।